हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया हो गए। जैसे कि आपको पता है, हमने यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट की हुई है। नेक्स्ट हम कर रहे थे प्रमोशन में, आज हम करने वाले पब्लिसिटी। देखो, पर्सनल सेलिंग मैंने आपको करवा दिया था, पब्लिसिटी देखो देखो पब्लिसिटी में आप क्या करते हो। इसमें ना आपको आप एक्सपोजर मिलता है, यानी आपने बड़ा कॉमन वर्ड सुना है पब्लिसाइज करना। पब्लिसाइज करने का मतलब होता है सिंपल, यानी आप डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन इन द सेंस उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। यानी इसमें एक्सपोजर मिलेगा। अब मिलेगा किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू। इवन आप पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करोगे अपने कस्टमर्स के साथ, अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके साथ आप अपनी गेनिंग बॉन्डिंग बनाओगे। कहने का मतलब एक है, आप एक ना पॉजिटिव न्यूज़ कह लो या स्टोरी अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्रिएट करोगे, कंपनी के रिगार्डिंग क्रिएट करोगे, ब्रांड के रिगार्डिंग क्रिएट करोगे। इससे एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और आपकी फ्री में पब्लिसिटी जनरेट होगी। देखो, जो अगर आपने सुना होगा, दो जो मूवीज़ आती हैं लेटेस्ट, उनमें जो उनकी प्रमोशंस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं ना, यानी वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इवेंट्स को कैरी आउट करते हैं। इनसे उनका रिलेशन बन रहा है, उनका पब्लिसिटी हो रही है, यानी वो अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि मूवी के जब लॉन्च डेट आएगी, रिलीज डेट आएगी, उस दिन वो आपकी मूवी जाकर देखेंगे। उनका मूवी ही उनका प्रोडक्ट है। सेम चीज़ आपको करनी है। सो पब्लिसिटी को आप अचीव कर सकते हो प्रेस रिलीज के थ्रू, मीडिया इवेंट्स कर सकते हो, लाइक आप इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप्स कर दे सकते हो, और इवन जो आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है, अब आपने देखा होगा यूट्यूब है, यूट्यूब पे एड्स आती है, पेड प्रमोशन होता है, आपके ऊपर लिखा होता है इंक्लूड पेड प्रमोशन। सो ये सारी चीज़ें पब्लिसिटी के अंदर आती है। नेक्स्ट, आपके पास सेल्स प्रमोशन टूल्स और टेक्निक्स। देखो, सेल्स प्रमोशन शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपकी इमीडिएटली सेल्स हो जाए, यानी आपकी सेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाए। अगर मैं आपको कुछ सेल प्रमोशन टूल्स और टेक्निक्स बताऊं, बहुत इजी है, ये आपने बहुत बार पढ़े हुए हैं। सबसे पहले आते हैं कूपन्स। इसमें आप डिस्काउंट्स देते हो या स्पेशल ऑफर्स दे देते हो अपने कस्टमर्स को जब वो आपके कोई चीज़ परचेज करते हैं। डिस्काउंट्स में आप ना अपने प्रोडक्ट का सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ टाइम के लिए टेम्प्ररी बेसिस पे प्राइस रिड्यूस कर देते हो। जैसे आपने देखा होगा, लिखा होता है 10% डिस्काउंट, 20%, 50%, 60% डिस्काउंट, ये सेल्स को बूस्ट करने के लिए होता है। आप पार्शियल रिफंड्स दे देते हो कस्टमर्स को परचेस। देखो, कस्टमर ने एक बार पैसा पे कर दिया, आपने उसको कूपन दे दिया, यानी वो कूपन में आप वो कहते हैं कि आप दो दिन बाद आके इसका रिफंड ले जाना, ये रिबेट्स होते हैं। आगे आते हैं कॉन्टेस्ट एंड स्वीपस्टेक्स। इसमें आप कस्टमर्स को इंगेज करते हो कॉम्पिटिशन्स के द्वारा कि वो प्राइजेस जीतें, उनको गिव अवेज कैरी आउट करते हो उनके लिए। लॉयल्टी प्रोग्राम्स में आप कस्टमर्स को रिवॉर्ड करते हो ताकि वो प्रोडक्ट रिपीट करे। मतलब आपने एक बार परचेज कर ली, आप इस तरीके से प्रोग्राम्स कैरी आउट करते हो कि वो प्रोडक्ट दोबारा से उसको परचेज करे, इससे उसकी लॉयल्टी बने रहेंगी और आपकी सेल्स चलती जाएगी। आप सैंपल्स देते हो फ्री में, यानी आप फ्री प्रोडक्ट, सैंपल का मतलब होता है एक बार एक प्रोडक्ट आपने फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे दिया जब आप उसको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ताजो कस्टमर उसके साथ गो थ्रू हो जाए, इनकरेज हो जाए कि वो उसको आप खुद दोबारा से परचेज करें। पॉइंट ऑफ परचेज डिस्प्लेस। इसमें ना आप अट्रैक्टिव डिस्प्लेस क्रिएट करते हो, यानी फ्लेक्स बना लिए, बोर्ड बना लिए, जहां पे ये अब रखे वहां पे जाएंगे जहां पे पॉइंट ऑफ सेल होगा, ताजो एक अटेंशन अट्रैक्ट कर पाए कस्टमर की और इंपल्स परचेजेस को प्रमोट करें, यानी कस्टमर आपके ऐड देख के चीजों को परचेज करें। स्टॉक अलाउंसेस, यानी आप इंसेंटिसाइज करते हो कि स्टोर्स को, अब स्टोर्स आपका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक में रखें, तभी आपकी सेल्स ग्रोथ होगी। प्रीमियम्स में आप इंसेंटिवाइज करते हो कस्टमर्स को कि वो कंजम्पशन प्रोडक्ट की इंक्रीज करते, आप प्रीमियम्स दे रहे हो, ठीक है। सैम्पलिंग में आप एक कस्टमर को ये कहते हो, भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार हमारा नया प्रोडक्ट ट्राई करके देखो, यानी एक के साथ एक प्रोडक्ट आपने फ्री दे दिया, डैट इज सैम्पलिंग। एडवर्टाइजिंग में आप स्टोर्स को कहते हो कि आपके प्रोडक्ट की वो ऐड करें, यानी कस्टमर्स को बताएं कि आपका प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें थी। एक ना क्वेश्चन आया था, वो देखो, व्हीकल यूज व्हेन ट्रैफिक बिल्डिंग इज द कंज्यूमर प्रमोशन ऑब्जेक्टिव इज स्पेशल इवेंट्स। उन्होंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उन्होंने उसमें से कह दिया था, 4-5 ऑप्शंस दी थी, वो कहते थे चूज करके बताओ इनमें से कौन सा व्हीकल है वो जो ट्रैफिक बिल्डिंग में हेल्प करता है, यानी वो एक कंज्यूमर प्रमोशन ऑब्जेक्टिव भी है, यानी आपने प्रमोट करना है कंज्यूमर्स को, अवेयरनेस क्रिएट करनी है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसमें था स्पेशल इवेंट्स। देखो, स्पेशल इवेंट्स वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं जिनको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि वो बहुत लार्ज नंबर में कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करें और उनको एक यूनिक
यूनिक और इंगेजिंग यानी बहुत हटके एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाएं। अब जो ये इवेंट्स होते हैं ना, ये प्रोडक्ट लॉन्च से लेके डेमोन्स्ट्रेशन आप कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की कॉन्सर्ट्स में, फेस्टिवल्स में, ट्रेड शोज में या थीम्ड पार्टी में, कुछ भी हो सकता है। चाहे आप अपना एक पूरा प्रोडक्ट लॉन्च का एक इवेंट क्रिएट करो, उसमें सभी बंदों को बुलाओ, चाहे आप अपने प्रोडक्ट को लेके किसी इवेंट, गवर्नमेंट इवेंट पे, कोई फेस्टिवल पे जाके वहाँ पे ट्रेड शो करो, कुछ भी करो, ये सब कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं। गोल यही है, आपने एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट बढ़ाना आपके प्रोडक्ट और ब्रांड में। इससे एक तो क्या होगा, जितना भी ट्रैफिक है ना, यानी वो सारा का सारा आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचा चला आएगा। यानी जब आप एक स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो तो कंपनी ना एक मेमोरेबल और इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस अपने होने वाले कस्टमर के लिए क्रिएट कर देते हैं, जो उनको सारी उम्र याद रहता है। इसमें आप प्रोडक्ट के सैंपल्स भी दे सकते हो, प्रोडक्ट का यूज करके डेमोंस्ट्रेशंस दे सकते हो, इंटरैक्टिव डिस्प्लेस दे सकते हो, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज कैरी आउट कर सकते हो, और इसके अलावा कितने इंसेंटिव्स हैं जो इनकरेज करते हैं कि लोग उस कॉम्पिटिशन में, इवेंट में अटेंडेंस लाएं अपनी, वो प्रेजेंट हो वहाँ पे आए। सो एम ये है कि आप अपना वो सारा कस्टमर का जो ट्रैफिक आप ड्राइव करो अपनी लोकेशन पे, जैसे आपका रिटेल स्टोर होगा, चाहे आपका एग्जीबिशन आपने बूथ लगाया, चाहे कोई भी प्रमोशनल वेन्यू, उस पर लोगों का आना ज़रूरी है। जो स्पेशल इवेंट्स हैं बहुत इफेक्टिव कंज्यूमर प्रमोशन टूल माने गए हैं ट्रैफिक बिल्डिंग में, क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कंज्यूमर्स डायरेक्टली इंगेज हो जाते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स की वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस है, एक बज क्रिएट हो जाता है आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के अराउंड, और इसका एक इमीडिएट एक्शन इनकरेज होता है। यानी अगर कोई कंज्यूमर आएगा, ज़्यादा नहीं तो कुछ क्वांटिटी में कुछ तो खरीद कर आपके कंपनी का, आपके ब्रांड का जाएगा ही। इससे क्या होगा, एक तो आपका कस्टमर का इंटरेस्ट बनेगा, नए कस्टमर्स आप अट्रैक्ट करोगे, और एट द एंड आपकी सेल्स और ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और था, ऑटो कंपनीज एंड अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनीज ऑफर कैश रिबेट्स टू इनकरेज द परचेज ऑफ मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। दिस इज ट्रू एंड इज अ कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ध्यान से सुनो, जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं या आप कह लो कोई भी कंज्यूमर गुड कंपनी है, वो खास तौर पे कैश रिबेट्स देती है, ताकि इनकरेज किया जाए कि वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली परचेज करें प्रोडक्ट्स को एक स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान। और ये बिल्कुल ठीक है, इसको ना स्टेटमेंट की फॉर्म में डाला गया था, और उन्होंने पूछा था कि बताओ ये कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या नहीं है। सो ये ट्रू था, ये कॉमन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अब आगे आती है PLC स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज, और उसमें कौन सी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये भी आपका क्वेश्चन ही था। इंट्रोडक्शन, देखो वैसे चार स्टेजेस होते हैं, पर उन्होंने पेपर में तीन ही डाली। देखो जो इंट्रोडक्शन पहली स्टेज है, इसमें जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी होगी इंट्रोडक्शन स्टेज में PLC के लाइफ में, वो यही है कि आपने अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बिल्ड करनी है, आपने ट्रायल देना है डीलर को। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ना, देखो अब आपका प्रोडक्ट तो नया है, आपको उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी लोग आपके प्रोडक्ट को अडॉप्ट करेंगे। फिर आती है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी बीइंग द सेकंड स्टेज, इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है कि आपका ब्रांड दूसरे ब्रांड से अलग दिखे, वो आगे दिखे, वो डिफ्रेंशिएट हो, उसके बेनिफिट्स आपने लोगों को बताने हैं। लोगों को अगर लोग दूसरा ब्रांड छोड़कर आपके ब्रांड पे शिफ्ट ऑन करते हैं तो क्या उनको फ़ायदे होंगे। सो बहुत नेसेसरी है, अगर आपने मार्केट शेयर बनाना है, उसको गेन करना है और कम्पीट करना है जो ब्रांड्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं उनके साथ। फिर आती है ग्रोथ, देखो ग्रोथ में जो आपकी कम्युनिकेशन है वो तो यही रहेगी कि आपने अपनी अवेयरनेस को तो मेंटेन रखना ही रखना है, अवेयरनेस आपको बनानी पड़ेगी, इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में पूरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का होना चाहिए, तभी आपका मार्केट शेयर एक अच्छे लेवल पे जा पाएगा। अपना मुद्दा एक रखो, जितना हो सके उतना न्यू कस्टमर बेस, न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, कस्टमर बेस को एक्सपेंड करो, तभी आप मार्केट में अच्छे से पेनिट्रेट कर पाओगे। अब आती है ग्रोथ स्टेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, उसमें ना एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो पहले ना हम ग्रोथ में से एक, वैसे अभी डिक्लाइन स्टेज पड़ी है, डिक्लाइन स्टेज में इसमें बाद में करवाता हूँ, एक ना ग्रोथ स्टेज के अंदर ही एक क्वेश्चन आया था। देखो ग्रोथ स्टेज है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ना, इसमें कंपनी टिपिकली इन एक्सपीरियंस करते हैं, वो फेस करेंगे कि उनके कंज्यूमर की डिमांड बढ़ गई है, उनकी सेल्स बढ़ चुकी है। सो इस स्टेज में कंपनी का एम यही होना चाहिए, उसको अपना जो उसकी मार्केट अब बढ़ रही है, मार्केट ऑब्वियस है बढ़ेगी क्योंकि डिमांड और सेल्स बढ़ रही है, उस पर वो कैपिटलाइज करे और एक अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन को इस्टेब्लिश कर ले, फिर उसको कोई हिला नहीं पाएगा। ठीक है, अगर मैं इसका एक और लाइन सुनूं, एज अ रिजल्ट द कंपनी में रिड्यूस इट्स सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ हैवी कंज्यूमर डिमांड।
सो अगर आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी में मतलब ग्रोथ आपकी अच्छी चल रही है, तो आप अपने सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हो और आप बेनिफिट उठा सकते हो कि आपकी कंज्यूमर डिमांड से जो आपके प्रॉफिट्स होंगे उसका। सो एक ना और चीज़ देखो, एक तीन चीज़ें समझो। देखो इंट्रोडक्शन स्टेज में कंपनी का फोकस होगा अवेयरनेस क्रिएट करने पे और प्रमोट करने पे जो उसका प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट वो लेके आए ताकि उसकी डिमांड जनरेट हो पाए। मैच्योरिटी स्टेज में जो मार्केट है ना वो सैचुरेटेड हो जाती है और जो कंपटीशन है वो बहुत तकड़े लेवल पे ऊपर चला जाता है, इंटेंसीफाई हो जाता है। सो कंपनी को इंक्रीज करनी पड़ेगी उनकी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी, तभी वो मार्केट में टिक पाएंगे, उनकी सेल्स जनरेट हो पाएंगी और वो अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर पाएंगे और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। जब डिक्लाइन स्टेज आती है, जब जो डिमांड है प्रोडक्ट की वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और कंपनी को जहाँ तो अपना प्रोडक्ट मार्केट से बाहर निकालना पड़ता है या जो उसका टारगेट मार्केट है उसको चेंज करके दूसरी मार्केट पर शिफ्ट ऑन होना पड़ता है। ये तीन चीज़ें याद रखना, इससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब डिक्लाइन स्टेज को एक बार डिटेल में करवा देता हूं। देखो जो डिक्लाइन स्टेज में आपके कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो सिंपल यही है कि आपने अब कम्युनिकेशन को रिड्यूस कर देना है, आप उसको मिनिमम लेवल पे ले आओ क्योंकि जस्ट अब आपको कस्टमर्स को रिटेन करना है। अब आपको अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है क्योंकि अवेयरनेस ऑलरेडी ग्रोथ मैच्योरिटी स्टेज तक बहुत क्रिएट हो चुकी है। अब काम ये है लोगों को पकड़ के रखो, उनको जाने मत दो। सो ये पता क्यों होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अब श्रिंक होना स्टार्ट हो गया, अब फोकस आपका लॉयल कस्टमर्स को रिटेन करने पे है। आपको नए बंदों को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो बंदे ऑलरेडी आपके पास है आपका काम है उनको रिटेन करना, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था प्रमोशन मिक्स से, मतलब बेसिकली कर तो हम सारा ही प्रमोशन मिक्स रहे हैं, पहले इसको समझो। देखो प्रमोशन मिक्स आपको पता है ये कॉम्बिनेशन है वो सारे प्रमोशनल मेथड्स और टूल्स का जो कंपनी यूज़ करती है अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच करने के लिए और उनको इंकरेज करने के लिए वो आपके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अगर मैं आपको स्पेसिफिक मिक्स बताऊँ तो ये ना अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। प्रमोशन मिक्स में जो डिसीजन, जो फैक्टर्स, जो मिक्स बनेगा वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। टारगेट मार्केट कौन सी है, क्या प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, क्या उसके ट्रेड्स, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक, आपकी मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स क्या, आपका बजट कितना, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो प्रमोशन मिक्स है ना इसमें कॉम्बिनेशन आ जाता है, एडवर्टाइजिंग भी आप करोगे, पर्सनल सेलिंग भी करोगे, पब्लिसिटी भी करोगे, सेल्स प्रमोशन भी करोगे। सो जो प्रमोशन और इम्फेसिस आप इनमें से हर एक एलिमेंट पे दोगे ना वो वेरी करेगा, वो डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या आपने अचीव करने उस पे। सो जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन IMC, अगर तो आपने मास्टर्स की हुई है कॉमर्स की तो IMC की एक पूरी बुक आती है, ठीक है। जो IMC इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन है ये इंश्योर करता है कि जितने भी प्रमोशनल एफर्ट्स हैं वो इकट्ठा काम करें एक कोऑर्डिनेटेड वे में और एक कंसिस्टेंट मैनर में, तभी आपको यूनिफाइड सभी बंदों के पास एक टाइम पे एक मैसेज पहुंचेगा और इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप अलग अलग मीडिया को अलग अलग इम्फोसिस देती हो तो किसी का ज़्यादा किसी का कम, उससे रिजल्ट नहीं होंगे। पूरे प्रमोशनल एफर्ट्स को एक तरीके से एक कंसिस्टेंट मैनर में लाओ ताकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़े। सो जितना आपका वेल डिज़ाइन प्रमोशन मिक्स होगा उतना ही कंपनीज अपने आप को इनेबल कर पाएंगी कि वो इफेक्टिवली अपनी चीज़ें, अपनी अवेयरनेस प्रोडक्ट की कम्युनिकेट कर पाएँ, अपनी टारगेट ऑडियंस को उनके दिमाग में ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ और इन्फ्लुएंस कर पाएँ उनके परचेज डिसीजन को और मार्केटिंग गोल्स को अचीव कर पाएँ। सो देखो एक और इसमें से सुनो, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एलिमेंट्स दैट रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब आप हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर रहे हो IMC के अंदर में तो तब जितने IMC के एलिमेंट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब डिटेल में सुनो, देखो IMC का एम यही है इंश्योर करना कि जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं वो इकट्ठा काम करें, कोहेसिवली काम करें, तभी एक कॉन्सिस्टेंट और यूनिफाइड मैसेज, मतलब एक मैसेज पूरे पावरफुल स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा अपना टारगेट ऑडियंस पे। प्राइमरी फोकस IMC का यही है कि जितनी भी प्रोमोशनल एलिमेंट्स और एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जा सके, ठीक है। और अब उन्होंने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ये ना क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको ये ऊपर लाइन दी थी, वो कहते हैं नीचे 5-7 पॉइंट दिए थे उनमें से चूज़ करके बताओ। सो जो अगर मैं आपको मैंशन थे उनमें से जो तीन मेजर थे जो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ IMC को कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनमें सबसे पहला था पैकेजिंग।
देखो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है IMC का, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ब्रांड का मैसेज आपके कस्टमर तक पहुंचाने में, आपके ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करने में और वैल्यू प्रोपोजिशन लाने में। देखो जितना आप अपना पैकेज का डिज़ाइन और जो मैसेज आप देना चाहते हो उसको कोऑर्डिनेट करोगे, जो अब ये मैसेज आपका इसके अलावा भी और जो आप मार्केटिंग कम्युनिकेशंस कर रहे हो वो मैसेज को जब आप इन दोनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करोगे तभी आप एक कोहेसिव ब्रांड एक्सपीरियंस कस्टमर्स के लिए क्रिएट कर पाओगे। दूसरा आता है सेल्स प्रमोशन। देखो जो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ जैसे आपके डिस्काउंट्स हो गए, कूपन्स हो गए, कॉन्टेस्ट हो गए, स्पेशल ऑफर्स हो गए, इनको ऑफर इंटेग्रेट किया जाता है जितने भी इसके अलावा आप मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हो उनके साथ। जब जब आप कोऑर्डिनेट करोगे जो आप सेल्स प्रमोशन इनिशिएटिव ले रहे हो अपनी उनको एडवर्टाइजिंग के साथ, पब्लिक रिलेशन या इसके अलावा जो भी प्रमोशनल एक्टिविटी आपकी कंपनी परस्यू कर रही है, तो तब आपके ब्रांड का मैसेज और जो प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करना चाहते हो वो एक बार में इम्पैक्टफुल वे में अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट आती है डिस्ट्रीब्यूशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स और स्ट्रेटजीज किस तरीके से चीज़ें पहुंचेंगी कस्टमर के पास, ये भी बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं IMC में। आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ को भी कोऑर्डिनेट करना है अपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन एफर्ट्स के साथ, तभी ये पॉसिबल हो जा सकेगा कि आपका प्रोडक्ट सही समय पर सही बंदे के पास सही टाइम पर पहुँच जाएगा। इससे आपकी जो ओवरऑल प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएंगे। कस्टमर की सर्विस, ऑल्दो ये क्रूशियल है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए, यानी जो आप कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज या नॉर्मल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अगर आपने उसको सेटिस्फाई करना तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हॉरिजॉन्टल, ये उसमें ना ऑप्शन डाली गई थी, ऑल्दो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बट ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। सो ये आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सो बट एट द एंड ये याद रखो कस्टमर शुड सर्विस जो आप दे रहे हो ना कहीं इसको भी आपको अलाइन करना पड़ेगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। यानी जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि 90% चीज़ का वो रिलेशन उस चीज़ के साथ होगा बट 10% से वो आंसर में चीज़ इंक्लूसिव नहीं होगी। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को समझ के अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट आता है इन द वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्राइसिंग इज नॉट टिपिकली कोऑर्डिनेटेड। देखो एक साल उन्होंने हॉरिजॉन्टल का पाया, एक साल उन्होंने वर्टिकल का पाया। देखो वर्टिकल में प्राइसिंग कभी इंटीग्रेट नहीं होती। वर्टिकल इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब है आप अलाइन कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो जितने भी एस्पेक्ट्स आपके मार्केट कम्युनिकेशन की हैं ताजो आप एक कॉन्सिस्टेंट और यूनिफाइड मैसेज को अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा पाओ। देखो हॉरिजॉन्टल में आप IMC के एलिमेंट्स को नॉर्मल जितने भी आप मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हो उनके साथ इंटेग्रेट करते हो, जो वर्टिकल है उसमें आप IMC के एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटेग्रेट करते हो। ठीक है, जो ये एलिमेंट्स है इसमें सेल्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरीके से होगी, क्या कस्टमर सर्विस है, इनको कोऑर्डिनेट किया जाता है एक इंटेग्रेटेड मैनर में, प्राइसिंग इसमें नहीं आती। देखो प्राइसिंग का डायरेक्टली IMC कोऑर्डिनेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो प्राइसिंग है ना ये तो यूजली जैसे लाइक आपकी मार्केट में डिमांड क्या है, कॉम्पिटिशन कितना चल रहा है, कौन स्ट्रक्चर आपका क्या है, यानी आपने कौन सी प्राइसिंग फॉलो किया, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। IMC से इसका सीधा सीधा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो आपकी IMC का ही एक हिस्सा या IMC आप समझ लो, इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। देखो बेसिकली मैं आपको मतलब तो IMC का बहुत बार बता चुका हूँ, ये आप इसमें ना कोऑर्डिनेशन करते हो, इंटेग्रेट करते हो जितने भी आपके मार्केटिंग एलिमेंट्स हैं ताजो आप एक यूनिफाइड या कंसिस्टेंट मैसेज अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा पाओ। अगर मैं आपको इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताऊँ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मार्क माई वर्ड्स, इधर इन्होंने कोई इंटीग्रेशन नहीं पूछी, इधर नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे गए। सबसे पहले तो आता है प्राइस। देखो प्राइस वो अमाउंट है जो कस्टमर्स पे करेंगे आपके प्रोडक्ट को सर्विस को खरीदने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग मिक्स में क्योंकि ये डायरेक्टली कस्टमर की परसेप्शन पे और उसके परचेज डिसीजन पे इंपैक्ट डालता है। ये तो बच्चों वाली चीज़ है, ये आपको आती है, आगे बढ़ती हैं। कम्युनिकेशंस, आप अपना मैसेज अपने ब्रांड की अवेयरनेस किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। देखो कम्युनिकेशन में सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज, सारे जो मैसेजेस आप यूज़ कर रहे हो, मतलब वो सारे माध्यम आगे जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट की और सर्विस की अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हो, इसमें एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग और जितने भी अदर कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखो इसमें जो कंपनी ऑफर कर रही है यानी जो कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रही है वो सारी चीज़ें आ जाएंगी।
क्या प्रोडक्ट्स के फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर कस्टमर आपके कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, क्वालिटी किस लेवल की आप प्रोवाइड करोगे, पैकेजिंग क्या रहने वाली है, प्राइमरी सेकेंडरी, ब्रांडिंग कैसे है आपके प्रोडक्ट की, सर्विस, सब कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं चैनल्स। देखो जो चैनल्स का, वैसे तो चैनल्स का ना टॉपिक बिल्कुल एक सेपरेट है, चलो देखो जो चैनल है ये वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जिसके द्वारा आपके प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर्स के तक पहुंचेंगे। यानी इसमें अलग अलग इंटरमीडियरीज जैसे होलसेलर, रिटेलर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डायरेक्ट सेल्स, सब कुछ इसमें इंक्लूसिव होगा, ठीक है। एक ना क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट आई थी, दो आई थी, एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपर फ्लॉस, इसका मतलब समझो। एक दूसरी स्टेटमेंट थी, द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपर फ्लॉस। ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, बस एक दी का फर्क है। सो ये दोनों दो बारी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, मैंने दोनों एक बार प्लेस कर दिया आपकी पीडीएफ में। देखो, एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपर फ्लॉस, इसका मतलब क्या है, जब आप मार्केटिंग इफेक्टिवली करती हो तो वो आपके लिए ना स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर डिमांड क्रिएट करके देती है। मार्केटिंग के एफर्ट्स बेकार नहीं जाते, उससे आपके एक स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर की डिमांड क्रिएट होती है आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर, और जो आपकी प्रेफरेंस है, जो नीड है अग्रेसिव सेलिंग की, वो मिनिमाइज हो जाती है। मतलब ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपकी चीज़ें बिकेंगी। गोल यही है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टमर की लॉयल्टी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी और एक फेवरेबल मार्केट पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा और समझो, इसको और डिटेल में करते हैं। देखो, जो पीटर एफ ड्रकर था, जो एक रिनाउन मैनेजमेंट कंसल्टेंट और ऑथर था, उसने ना एक रिलेशनशिप बताई थी सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में इस लाइन की माध्यम से, यानी द एम ऑफ मार्केटिंग इज टू मेक सेलिंग सुपर फ्लॉस। अब यानी ये देखो, आपके पेपर का इतना लेवल है, वो आपके जो आपके ऑथर्स हैं, रिनाउंड ऑथर्स हैं, जो उन्होंने लाइंस दी हैं, डेफिनेशंस दी हैं ना, उनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी ये स्टेटमेंट ये एम्फसाइज करती है क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग की समझने में और कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने में, और आपने किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस को क्रिएट करना है ताकि आपकी जो कंज्यूमर की नीड्स है, आपके प्रोडक्ट और सर्विस उनको पूरा उन पर खतरा उतर पाए। देखो, इफेक्टिव मार्केटिंग का एम ये है, एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू क्रिएट की जाए, उस वैल्यू से कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगी और जो आपकी सेलिंग है वो अननेसेसरी नहीं जाएगी, वो अपने आप चीज़ें बिक जाएंगी। यानी क्योंकि कस्टमर्स ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के लिए, यानी आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा चीज़ों बेचने में। जब आपकी मार्केटिंग इफेक्टिव होगी, चीज़ें खुद ब खुद बिक जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक ऑनलाइन थी, मार्केटिंग शुड रिजल्ट इन कस्टमर हु इज रेडी टू बाई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखो, लाइंस बड़ी सिंपल है, मतलब पर इनके जो मतलब है वो बहुत गहरे हैं। देखो, इस लाइन का मतलब क्या है, जो मार्केटिंग एफर्ट्स है ना, उनका जो ध्यान, जो उनका फोकस है, वो सिर्फ एक चीज़ पे होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर की ज़रूरत को समझ रहे हो, आप उनके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो। अब इस तरीके से ये चीज़ें करो, कस्टमर का इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट में बने, एक डिज़ायर बना दो उनके दिमाग में आपके प्रोडक्ट और सर्विस को लेकर। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओगे और वो विलिंगली आपको पैसा देंगे, वो रेडी है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की ऑफ अफेक्ट्स मॉडल इन कम्युनिकेशन सिचुएशन इज, पांच चीज़ें आती हैं जो आपके हायरार्की ऑफ अफेक्ट्स मॉडल है ना, ये कम्युनिकेशन सिचुएशन है जिसमें अवेयरनेस क्रिएट करो, नॉलेज स्प्रेड करो, अपनी चीज़ की लाइकिंग बनाओ, प्रेफरेंसेस समझो कंज्यूमर्स की, उनको कन्विक्शन करो उनकी, एट द एंड ये चीज़ों से वो आपके प्रोडक्ट की परचेस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, उसमें चैनल्स और चैनल मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हम मार्केटिंग चैनल्स या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के नाम से भी जानते हैं। ये वो रास्ते हैं जिनके द्वारा प्रोडक्ट और सर्विस आपका आपकी जगह यानी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से आपके कस्टमर तक पहुँचेगा। जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन सा चूज करना है, डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट की नेचर क्या है,
आप जिन बंदों को चीजें सेल करने जा रहे हो, जो आपके टारगेट मार्केट है, उनके फीचर्स क्या है, कंपटीशन कैसा चल रहा है, कंपनी के पास पैसा कितना, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मैं आपको दो मेन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की करूं बात, तो जो आपने बहुत छोटी क्लासेस से किए हुए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट में आप प्रोड्यूसर वो डायरेक्टली प्रोडक्ट कस्टमर को बेच देता है, बीच में किसी तीसरे बंदे का कोई लेना देना नहीं है। यानी कंपनी के अपने स्टोर्स होते हैं, वो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, यानी वो डायरेक्ट सेल रिप्रेजेंटेटिव थ्रू कंपनी सीधा प्रोडक्ट बेच रही है। इनडायरेक्ट में बीच में पता ही नहीं कितने बंदे होंगे, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट, कमीशन एजेंट, बहुत सारे तीसरे बंदे होंगे। यानी इसमें आप इंटरमीडियरीज का या मिडलमैन का कंज्यूमर तक पहुंचने में यूज कर रहे हो। अब ये इंटरमीडियरीज होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, रिटेलर, ये सब ये हो सकते हैं। चैनल अल्टरनेटिव्स क्वेश्चन आया था। देखो चैनल अल्टरनेटिव्स को असेस किया जाता है इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे, पैसा कितना है कंपनी के पास, कंट्रोल कितना चाहिए चैनल पे कंपनी को, और टाइम पे क्राइटेरिया चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ये तीन पूछे गए थे, ये मेजर क्राइटेरिया जो यूज किए जाते हैं इवेल्युएट करने के लिए कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इफेक्टिव कितना है, वो एफिशिएंटली काम कितने अच्छे से कर रहा है। डिस्काउंट रिटेलर्स क्वेश्चन, डिस्काउंट रिटेलर्स ना क्या करते हैं, वो कंपैरेटिवली लो प्राइजेस पे वो क्या करेंगे, वो इन्वॉल्व करेंगे लो प्राइजेस को एज अ मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। रिटेलर्स क्या के डिस्काउंट वर्ड, डिस्काउंट का मतलब प्राइस रिडक्शन, सिंपल है, यानी कम प्राइस पे चीजों बेचोगे। इसको कंबाइन किया जाएगा प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करके। सो जो ये रिटेलर्स हैं, ये प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे डिस्काउंटेड प्राइसेस के। अब ये ऑफन बाय ऑपरेटिंग विद लोअर प्रॉफिट मार्जिन और थ्रू कॉस्ट कटिंग मेजर इन देयर ऑपरेशन, घाटा तो कोई भी नहीं सहता। अगर प्राइस में रिडक्शन की जाएगी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी की जाएगी, कॉस्ट कटिंग मेजर्स लगाए जाएंगे, और ये चीज़ें सारे डिस्काउंट रिटेलर्स करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लंबा है, इसलिए मैं आपको अच्छे से करवा रहा हूँ। डिस्काउंट रिटेलर्स का एम ये है कि जो प्राइस कॉन्शियस, बहुत प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करना, जो चाहते हैं कि भाई हमें अब हमारे पैसे की वैल्यू मिले, वो वैल्यू फॉर मनी कस्टमर्स हैं, वो अचीव करते हैं लोअर प्राइसेस, अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज करते हैं डिस्काउंट रिटेलर बल्क। अब जो स्ट्रेटजीज डिस्काउंट रिटेलर यूज करेंगे, जिसके साथ जो ये मेजर से जिससे वो कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहा है। मतलब स्ट्रेटजी बनाएगा तो रिटेलर बल्क परचेजेस, वो अपने सप्लायर के साथ डील करेंगे कि उनको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाए, स्टोर ओवरहेड, स्टोर के खर्चे कम कर देंगे, इन्वेंटरी को बड़ा एफिशिएंटली मैनेज करेंगे। अब इससे वो कॉस्ट रिडक्शन करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन के होने के बाद वो प्राइस में डिस्काउंट लाएंगे, दैट आर कॉल्ड डिस्काउंट रिटेलर्स। अब आगे क्वेश्चन है होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एजेंट और ब्रोकर, ये कंटिन्यूड क्वेश्चन है, वो इंटरमीडियरीज का ही है। इनडायरेक्ट में ये तो बच्चों वाली चीज़ है, चलो कर लेते हैं। देखो होलसेलर्स प्रोडक्ट्स को बल्क में मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं और वो आगे सेलर्स को रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं, बिजनेसेस को दूसरे। सो इन ये बेसिकली ना वेयर हाउसिंग सर्विसेज देते हैं, इन्वेंट्री को ये मैनेज करते हैं, ये डिलीवरी सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर ये इंडिपेंडेंट एंटिटीज और ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर से परचेज करेंगे और उनको फिर रिटेलर्स को या एंड कंज्यूमर्स को डायरेक्टली बेच देंगे। ये पता क्यों स्पेशलाइज्ड है, इनमें और होलसेल में यही फर्क है, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के होते हैं और ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ ही डील करते हैं। रिटेलर्स वो बिजनेसेस हैं जो प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचते हैं, यानी ये ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स अपना शोरूम फिजिकल आउटलेट खोलेंगे। ऑनलाइन रिटेलर्स भी होते हैं, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर, सभी रिटेलर्स हैं, ठीक है। यानी जो बंदा आपके कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ए रिटेलर। एजेंट्स को ब्रोकर्स की भी कहा जाता है, ये ना वो बीच वाले बंदे, मिडलमैन, इंटरमीडियरियंस हैं जो प्रोड्यूसर और बायर को आपस में जोड़ते हैं, यानी ये ट्रांजेक्शन फैसिलेट करने में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में हेल्प करते हैं और कमीशन के द्वारा ही अपनी सर्विसेज देते हैं। हम इनको कमीशन पे करेंगे तब ये हमें अपनी सर्विसेज देंगे।
इनको कॉमनली यूज किया जाता है, लाइक रियल इस्टेट इंडस्ट्री होगी आपकी, इंश्योरेंस या इंटरनेशनल ट्रेड कह दो, यानी उनमें ये अपना काम अपनी सर्विसेज निभाते हैं। ठीक है, आगे देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, देखो ये इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेट है जो पार्टिसिपेट करते हैं मार्केटिंग के प्रोसेस में, यानी ताजो आपका डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ताजो आपका प्रोडक्ट कंजम्पशन के लिए कंज्यूमर के पास अवेलेबल हो। देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोडक्ट इंटेंडेड कस्टमर जो परचेस कर रहे हैं उनके पास टाइम पे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पहुंच जाए। सो जितने भी मार्केटिंग चैनल्स हैं इनमें पोटेंशियल है कॉन्फ्लिक्ट का भी और कॉम्पिटिशन का रिजल्टिंग फ्रॉम गोल इनकम्पैटिबिलिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू थी, स्टेटमेंट पूछी गई थी। All marketing channels have potential for conflict and competition resulting from goal incompatibility. ये statement बिल्कुल ठीक थी। देखो distribution channel में multiple organizations होते हैं, हर organization का अपना goal है, manufacturer का अपना, wholesaler का अपना, retailer का अपना, intermediary तीसरे बंदे का अपना। सो ये ऑर्गेनाइजेशन जिनके अलग अलग मकसद हैं, अलग अलग इंटरेस्ट है, इससे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, कंपटीशन अराइज हो सकता है चैनल के बीच में। ठीक है, दो क्वेश्चन आए थे, लाइन सुनो। डिजाइनिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर सर्विस इन्वॉल्व सेलेक्टिंग द पार्टीज थ्रू विच ओनरशिप विल पास। देखो प्रोडक्ट्स में ये चीज़ों का इतना मुद्दा नहीं है, जब आप सर्विसेज दे रहे हो, सर्विसेज में जब आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रही हो, आपको इस तरीके से पार्टीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ओनरशिप उसके थ्रू होके जानी है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। जो ओनरशिप चैनल है सर्विसेज के लिए वो हमेशा लंबा और कम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें कई ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, बांटा नहीं जा सकता, कंबाइन बंडल फॉर्म में चीज़ें निकलती हैं, यानी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर को और कस्टमर्स को इंटरेक्ट करना ही पड़ता है क्योंकि सर्विसेज बंदे देते हैं, आप बिना बंदों के सर्विसेज नहीं दे सकते। ये दो चीज़ें बहुत बार पूछी गई हैं, सो ध्यान से इनको समझना। सो यहाँ पे हम करते हैं आज का सेशन वाइंड अप।